हेलो दोस्तों, हम सभी को पता है कि अगर हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी मतलब क्षमता अगर बढ़ जाए तो चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकें। तो जी हाँ, उस टेक्निक का नाम है त्राटक। जी हाँ, त्राटक एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। ये आज के साइंटिस्ट नहीं कहते बल्कि पुराने ज़माने के ऋषि मुनि महर्षि भी कहा करते थे। स्पेशली ये स्वामी विवेकानंद की देन है जिन्होंने त्राटक विधि को इंडिया में फैलाया। तो आइए आप जानते हैं कि त्राटक कितने प्रकार का होता है और ये होता कैसा है। तो त्राटक स्पेशली दो प्रकार का होता है, पहला बिंदु त्राटक, दूसरा कैंडल त्राटक। अब जानते हैं कि बिंदु त्राटक क्या होता है। बिंदु त्राटक, आप किसी खाली रूम में अगर बैठे हो तो फिर किसी पॉइंट को फोकस करो, कोई एक डॉट मान लेते हैं और उस पर फोकस करते हैं। उस पर कम से कम 10 से 15 मिनट फोकस कीजिए। आप ये प्रक्रिया, अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आप ये प्रक्रिया कम से कम 2 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बिंदु त्राटक 3 महीने लगातार करते रहें। फिर बिंदु त्राटक करने के बाद आप बारी आती है कैंडल त्राटक की। जी हाँ, कैंडल त्राटक आप खास करके कोशिश कीजिएगा ये अर्ली मॉर्निंग में हो या फिर शाम को करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक अंधेरे कमरे की आवश्यकता होगी। अंधेरे कमरे में आप कैंडल जला लीजिए और फिर उसकी लौ को देखते रहिए तब तक जब तक कि आपकी आँखों से पानी ना गिरने लगे या फिर आपकी आँखों में जलन ना होने लगे। जी हाँ, ये कैंडल त्राटक और ये बिंदु त्राटक करने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन में गजब की चेंजेस आएगी और आप किसी भी चीज़ को याद करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे जितना अब ले रहे थे। जी हाँ, इसके कारण आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप ये त्राटक कई साल तक लगातार करते रहें तो आपके अंदर की सम्मोहन क्षमता भी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगी। तो जी हाँ, इस त्राटक विधि को करने के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, जैसे कि त्राटक करने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर अपनी आँखों को धुल लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज उसकी जब ऐसा करने से आपके जो आँखों से आंसू निकलेगा ये आपके आँखों को हार्म पहुंचा सकता है। जी हाँ, तो त्राटक ही एक ऐसी विधि है जिसके कारण आप अपने माइंड के साथ साथ अपनी आई साइट को भी काफ़ी हद तक ग्रोथ कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, तो फिर यही बात थी जो मैंने आपको बताई। तो जी हाँ, इस त्राटक विधि काफ़ी हेल्पफुल है आपकी साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ दैनिक जीवन में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।